बिहार के जमुई जिले से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां खाना बनाने के दौरान गैस सिलेंडर में आग लग गई। बता दें कि इस हादसे में एक ही परिवार के चार लोग बुरी तरीके से झुलस गए। हालांकि पटना ले जाने के दौरान इनमें से एक की मौत भी हो गई। हालांकि फिलहाल अस्पताल में सभी घायलों का इलाज जारी है। खाना बनाने के लिए वहां गया, गैस स्टार्ट किया, उसी समय गैस लीक था और उसी क्रम में ये मिझाना शुरू कर दिया कोई कपड़ा लेकर, और कपड़ा के मिझाने के वक्त में ये ज़्यादा जल गया। गैस को कुछ रूम से बाहर दूरी भी फेंका है ये, और उससे फिर ये तीनों बच्चा जल गया। बच्चा जलने के बाद ग्रामीण इर्द गिर्द जो पड़ोसी थे वो लोकल दौड़े, दौड़ने के बाद फिर गाड़ी मंगाया गया वहाँ। उसके बाद ये इनको उठाकर ये सदर अस्पताल। कितने लोग घायल हैं? चार, पूरे चार है। एक ही परिवार? एक ही परिवार है। सिलेंडर ब्लास्ट भी किया है क्या? सिलेंडर ब्लास्ट तो नहीं किया, सिलेंडर को ब्लास्ट करने से बचा, बचाने क्रम में ये जल गया, पूरा आग लग गया। हाँ, पूरा आग लग गया घर में। क्या खाना बना रहे थे या फिर ये गर्मी के कारण हुआ, कैसे क्या हुआ? नहीं, खाना बनाने के क्रम में हुआ, खाना बनाने के क्रम में हुआ। गैस, ये लोग मतलब आज सिलेंडर मंगवाए थे तो वो मतलब 1 बजे के आसपास तो ये लोग मतलब उसको फिट कर रहे थे, तो उसी में कुछ हुआ, विपत्ति आपदा आया, इसके कारण आग लग गया। तो आग लग गया, वो लोग अपने बचाव के कारण मतलब गैस को बाहर फेंके, तो वो जाके गेट के आस पास आके रुक गया, तो उसी से पूरा मतलब आग पूरा रूम में फैल गया। जब हम लोग गए तो देखे तो पूरा आग ऊपर अंदर उंदर पूरा लगा हुआ था, उसका गैस मतलब हटा फट भी गया था, तो पूरा रूम में उसी आग पूरा फैल गया। हाँ हाँ, गैस फट गया था। हाँ, तो कुछ लोग बता रहे थे कि खाना बनाने के दरमियान? नहीं नहीं, खाना नहीं, वो चेक कर रहे थे, अभी तो गैस आया ही था। हम लोग थे यहीं पास में, हम लोग जैसे हल्ला हुआ गए ताले देखे तो खाना बनाएंगे तो वहाँ तो नहीं रहा था कुछ सामान हुआ, और गैस फटा भी। उसके बाद जब हम लोग गए तब गांव के लोग जितना भी नागरिक थे सब लोग गए तो अंदर देखे तो पूरा आग फैला हुआ था, तो हम लोग किए जितना बचा हुआ, मगर उनका जो था पूरा शरीर उरी जल गया था, मतलब आधा ज़्यादा जल गया था यहीं पर। कार्तिक था, कार्तिक सिंह। हाँ, उनके साथ 2 बच्चे 3 बच्चे भी थे। फिर रूम से कैसे नहीं बाहर निकल पाए, क्या हुआ? रूम पूरा बंद था, छोटा सा एक रूम में, बेचारे गरीब परिवार थे तो कुछ मतलब थोड़ा सा अथी भी था, रूम छोटा था, एक ही रूम में सब लोग रहते थे, खाना बनाना रहना पीना सब कुछ एक ही रूम में करते थे। वो आग में ही फंस गए थे सब? हाँ, सब लोग अंदर ही फंसे हुए थे। हाँ, तो फिर ग्रामीण लोग सब आया पीछे से गेट तोड़ के, अथी तोड़ के उसके बाद उनको बाहर निकाला, तब तक आधा ज़्यादा उनका अधजलल शरीर बाहर निकला, वो बेहोश भी थे, तो यही सब हुआ। अभी क्या कर रहे हैं कि डेथ भी हो गई? हाँ, ये अभी आए सूचना कि डेट के आधा रास्ते जाते जाते गैस सिलेंडर में ब्लास्ट कर गया, तो हम लोग बोले कि तो ब्लास्ट कर गया तो बहुत, तो जहाँ थे जहाँ मैंने सिकंदरा थाना को खबर किए, खैरा थाना को, हम भी खुद चल लिए, बड़ी गाड़ी को कहे कि लेकर के आओ, ब्लास्ट कर गया है तो आग तो पूरा फैल गया हो। तो आए यहाँ तो देखे कि घर में लोग बताया, वो जिसे जो सूचना दिए वो ये भी बोले कि 3-4 आदमी घायल है, समझ गए। ऐसे तो 112 से हम लोग को सूचना मिला था, तो उसी में हम लोग चल दिए थे, तो फिर मैंने बहुत फोन आया, तो गैस सिलेंडर लीक था, तो गैस वाला जो है इनका जो है उसको ना गलती है, गैस सिलेंडर लीक है, जबकि हम लोग यहाँ पर मॉक उक डील बराबर कराते इस गांव में बहुत कराए हैं, हाल में भी कब कराया था, पिछले महीना में किया गया है। लोग को बताया जाता है कि जब भी गैस लीजिए तो वो एक ठेप्पा लगाएगा, इसे अंगूठा से करेगा, कुछ करेगा, कलम भोंकेगा, अथी करेगा, उससे नहीं है, उसमें पानी डाल के देख लेना है, जब वो बुलबुला दे रहा है तो समझिए गैस लीक है, कभी भूल के नहीं, वो कहेगा वाशर खराब हो जाएगा, 2 बूंद पानी डालने से वाशर थोड़े खराब हो जाएगा, प्लास्टिक फाइबर जैसा मजबूत रहता है, और ख़राब होगा तो 2 रुपया का 4 रुपया का आएगा, वो बदला जाएगा, वो उसका काम है। अब घटना जो घट गया बहुत ही अथी है, अब देखिए इसमें 3 बच्चा भी घायल है, एक अपने जो सूचना मिला कि डेट कर गए रास्ते में, यहाँ पहले लो ले गया जो। एग्जैक्ट रीज़न क्या है, कारण क्या है? कारण तो है गैस सिलेंडर लीक, गैस में गैस अथी रूम में गैस रिसा हुआ था, और उनकी पत्नी खाना बना के अथी किया, जो ही लाइटर मारा पूरे रूम में आग, लीकेज मेन कारण लीकेज रहा। यहाँ की क्षति लग रहा है आपको? स्थिति तो उन लोग रास्ता में हम लोग को भेटे थे, ले जा रहे थे अथी कर करके, और यहाँ तो आए तो है घर में आग जो था हम लोग बुझाए। और ज्यादा जानकारी के साथ जमुई से हमारे सहयोगी नेहरू फोन लाइन पे जुड़ गए। नेहरू, बड़ी खबर सामने आ रही है, जहाँ खाना बनाने के दौरान गैस सिलेंडर में आग लग गई, क्या कुछ पूरी जानकारी? जी, मामला जो है जमुई नगर थाना क्षेत्र के खरसाड़ी गाँव का है, और जहाँ पर बताया जाता है कि जो आज सुबह में खाना बनाने के लिए गैस सिलेंडर
जलाने की कोशिश की जा रही थी, जलाया जा रहा था, इसी दौरान जो है सिलेंडर में लीकेज होने की वजह से जो है गैस सिलेंडर में आग पकड़ लिया। और बताया जाता है कि जो है जो मृतक हैं इस दौरान जो है आग में झुलसने से जो है जो कार्तिक सिंह है उसकी जो है मौत हो गई है। और बताया जाता है कि लोग जो है काफी गरीब परिवार से हैं और इनके पास रहने के लिए एक ही कमरा, और एक ही कमरे में ये लोग जो है खाना भी बनाते थे और उसी कमरे में जो है रहते भी थे। और इस लगी में जो है कार्तिक सिंह के अलावे जो है उसके तीन बच्चे जो है झुलस गए हैं। कार्तिक सिंह की तो जो है इलाज के दौरान मौत हो गई है, जबकि तीनों बच्चों का जो है इलाज जो है अभी सदर अस्पताल जम्मू में चल रहा है। ये भी जानना चाहूंगी नेहरू की फिलहाल स्थिति कैसी बताई जा रही है घायलों की? जो बच्चे हैं उनकी स्थिति जो है काफी नाजुक है और तीनों भी जो है झुलसे हुए हैं, क्योंकि तीनों जो है एक ही कमरे में जो है बैठे हुए थे जिस कमरे में खाना बनाया जा रहा था। तो आग इतनी भयंकर रूप से लगी थी कि जो है तीनों निकल नहीं पा रहे थे चारों कमरे से। तो स्थानीय ग्रामीण लोग जो है खिड़की तोड़ करके जो है चारों को उस कमरे से बाहर निकाला है, जिसके वजह से जो है काफी तीनों बच्चे भी झुलसे हैं आग में। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया।